आज हमारे साथ विशेष बातचीत में क्षेत्र के पूर्व विधायक धनेन्द्र साहू जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि इस बार जो है राजिम कुंभ कल्प का आयोजन किया जा रहा है, जबकि पूर्व के समय में कांग्रेस शासन में यह जो है राजिम माघी पुन्नी मेले के रूप में मनाया जाता था। आइए जानते हैं जी साहू जी, बताएं कि सबसे पहले तो आपको मेरे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। आपके शासन में राजिम माघी पुन्नी मेले के रूप में आयोजित किया जाता था और इस बार जो है कुंभ कल्प के नाम से मनाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे सबसे पहले? देखिए, जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो मैं पहले धर्मस्व और संस्कृति धार्मिक न्यास मंत्री की जिम्मेदारी मुझे मिली और पहली बार मैंने ही जो यहाँ मेला, प्राचीन मेला था जो लगभग बंद जैसा हो गया था, उसको पुनर्जीवित किया। मैंने राजी लोचन, भगवान राजी लोचन का स्थान है ये, और भगवान राजी लोचन के नाम से मैंने श्री राजी लोचन महोत्सव का आयोजन मैंने प्रारंभ किया। साथ ही इसमें मैंने यहाँ का इतिहास को भी दिखाया, जो राजिम का नाम क्यों पड़ा। राजिम भक्तिन माता हमारी तेली समाज की, साहू समाज की इष्ट है और उनके द्वारा नगरी की जो है उनके नामकरण हुआ था और उनके ही कारण भगवान राजी लोचन की यहाँ का आयोजन करके, लीलाएं करके हम लोगों को अवगत कराते थे। लेकिन देखा हमने, इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसका राजनीतिकरण कर दिया, इसको कुंभ का स्वरूप दिया गया। कुंभ हमारा प्राचीन धार्मिक सनातन धर्म की मान्यता अनुसार कुंभ मात्र चार हैं और वो शास्त्रोक्त है। शंकराचार्य महाराजों ने भी यहाँ आने पर इस बात को कहा कि ये नकली कुंभ है, लेकिन फिर भी ये लोग मानते नहीं, शंकराचार्य की भी बात नहीं मानते। फिर हमारी बाद में सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी यहाँ। हमने तो लाखों रुपये में ही, सिर्फ करोड़ भी नहीं पहुँचता था, लाखों रुपये में यहाँ महोत्सव कराते थे पूरे 15 दिन का। इन लोगों ने फिर 9-10 करोड़ तक के बजट पहुँचा दिया था। फिर हमारी कांग्रेस की सरकार बनी, उसको खर्चा को कम किया गया, 3 करोड़ तक ले आया। देखिए, सरकार का काम धर्म की, आस्था की नई परंपरा जनता के ऊपर लादने का कार्य नहीं है। सरकार का कार्य है जन आस्था में जुड़ करके जन सुविधाएं देना, लोगों के लिए कानून व्यवस्था दें, पानी पीने का दें, छांव दें, सभी तरह की मेडिकल फैसिलिटीज दें, दर्शन की अच्छी व्यवस्था हो, बिजली हो, रोशनी हो, सफाई हो, ये सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है और लोगों की जो परंपरा है उसको और प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने का, नई परंपरा लादना, ये हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार की धर्मस्व नीति में भी नहीं है। लेकिन इन लोगों ने अपना, अब हम लोग देख रहे हैं, फिर हमारी सरकार बदली, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार आई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब वही 3 करोड़ का बजट फिर 26 करोड़ पहुंच गया और 37 करोड़ का। अब उसमें भी इवेंट मैनेजर्स लोगों को, कंपनीज को इसका काम दे दिए, हमारे स्थानीय लोगों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, फिर से स्थानीय साधु संतों का फिर अपमान हो रहा है, स्थानीय साधु संतों को कोई महत्व नहीं मिल रहा है। बाहर से जितने भी लोग आ रहे हैं साधु संत के रूप में, वो आज सिर्फ ये लोग धर्म का, भगवान राजी लोचन की गुणगान नहीं कर रहे हैं, भगवान कुलेश्वर महादेव जी गुणगान नहीं कर रहे हैं, त्रिवेणी संगम स्थान का गुणगान नहीं कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का गुणगान कर रहे हैं। तो आज जनता की गाढ़ी कमाई की पैसे से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी खुद के प्रचार प्रसार में आज लगी हुई है, जबकि हमारी जो सनातन परंपरा है उसको नष्ट करने का इनको कोई अधिकार नहीं बनता है। लेकिन ये पूरी तरह से तुले हुए हैं। आम जनता को इसमें जागरूकता लानी पड़ेगी, आम जनता समझे इसको कि आज जनता के पैसे, सरकारी पैसे, सरकारी खजाने से ये लोग पार्टी के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हर साधु संत जितने भी आ रहे हैं वो उनके पक्ष में पहले से ही तैयार करके लाया जाता है। पहले भी भ्रष्टाचार होता था, साधु संतों को कम पैसा देते थे, ज्यादा पैसा में उनसे दस्तखत कराए जाते थे। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसमें बड़े पैमाने पर उनको उबलाइज किया जा रहा है, बिना काम के उनको पैसा दिए जा रहे हैं। वो लोग सब धार्मिक पंडे बन गए हैं, बहुत से इनके कार्यकर्ता,
उनके नाम से पैसा निकाला जाता है। ये इस तरह के पूरा मेले के आड़ में पूरा भ्रष्टाचार यहाँ पर व्याप्त है, और जिसका पूरा लाभ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और रसूखदार लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। आम हमारे छोटे छोटे जो उद्यमी हैं, छोटे व्यवसायी हैं, उनसे अवैध वसूली हो रही है। यहाँ पर 500-500 रुपये के एक दुकान का रोज वसूली की जा रही है, अनधिकृत तरीके से वसूली हो रही है। लोगों की सारी कमाई तो इसी तरह से टैक्स वसूली में निकल जा रहा है। छोटे छोटे रोजगार उद्योग वाले लोग साल भर का खर्चा इससे निकाल लेते थे, उनकी रोजी रोटी चलती थी, लेकिन इस मेले ने लोगों को, गरीब लोगों को परेशान कर दिया है, बड़े भ्रष्टाचारी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण दे रहे हैं, और ये काफ़ी निंदनीय है। धर्म के आड़ पर, भगवान के आड़ में आज ये लोग लूट मचा करके रखे हैं, और इसको कभी भी भगवान माफ नहीं करेंगे इन लोगों को। साहू जी, एक और देखा ये जा रहा है कि स्थानीय जो साधु संत है, जैसे सिरगंटी के और कहीं दूर दूर दराज से आए हुए साधु संतों को एक दरी तक नसीब नहीं हो रहा है इस बार के राजिम कुंभ मेले में, इस पर क्या कहेंगे, जिस प्रकार से इनकी उपेक्षा दिखी जा रही है? ये हमेशा है, पहले भी 15 साल इनकी सरकार रही तो इस बात को हमने बहुत आवाज उठाया। स्थानीय साधु संतों को भुवनेश्वरी शरण महाराज जी के सब वहाँ पर हमेशा से आश्रम में उनका धार्मिक कार्य होते थे, उनको महत्व नहीं। कबीर आश्रम को के साधु संत आए थे, भोजन के लिए एक रोटी के लिए मारपीट किए गए थे। इस तरह से स्थानीय साधु संतों को तो बहुत प्रताड़ित किया जाता है, उनको कोई सुविधाएं नहीं दी जाती। और बाहर से जो लोग, मैं समझता हूँ कि इसमें से अधिकांश लोग तो ऐसे हैं कि जो उनके साधु होने पर भी संदेह होता है कि ये लोग खाली यहाँ पैसा लेने के लिए, दक्षिणा लेने के लिए, कई लोग वेशभूषा भी बदल करके आ जाते हैं, उनसे कोई ज्ञान की बातें यहाँ नहीं मिलती, कोई वो लोग प्रवचन नहीं करते जो भगवान राजी लोचन के बारे में हो, वो लोग कुलेश्वर महादेव त्रिवेणी संगम के बारे में, राजिम भक्ति माता के बारे में, कोई इस तरह से कोई ये लोग प्रचार प्रसार नहीं करते। जो हमारा मौलिक स्थान है, जो परंपरा है, लोग मेले में आते हैं, जहाँ बाजार करते हैं, घूमते हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा आस्था तो कुलेश्वर महादेव है, सबसे बड़ी आस्था राजी लोचन भगवान है, त्रिवेणी संगम है, और उसका प्रचार प्रसार नहीं होता। त्रिवेणी संगम में नहाने का हमारा क्या पुण्य मिलता है, उसका प्रचार प्रसार नहीं होता। कुलेश्वर मंदिर के व्रत कैसा किया जाए, उनके दर्शन कैसे किया जाए, क्या क्या हमारा फायदे हैं, कुलेश्वर मंदिर कब से है, उसकी ऐतिहासिक प्राचीनता कब से बनी है, भगवान राजी लोचन कैसे स्थापित हुए, कौन सन कौन समय से, इसकी कोई प्रचार प्रसार नहीं होना। तो मैं तो बल्कि कहता हूँ, मैंने देखा है बहुत सारे साधु संत तो ऐसे हैं ना, जो कुलेश्वर मंदिर जाते दर्शन करने, न राजी लोचन मंदिर दर्शन करने जाते हैं। साहू जी, एक चीज और दी, रामोत्सव का इस बार थीम दिया गया है, सबसे पहले इस बार रामोत्सव का थीम दिया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? भगवान राम हम सबके इष्ट है, आराध्य है, परब्रह्म परमेश्वर है, और ये भी हम सब लोग जानते हैं कि भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, एक अवतार है वो भी। ये जगह हमारा भगवान विष्णु की जगह है, ये जगह हमारा भगवान कुलेश्वर महादेव जी का है, हरिहर है ये, शिव और विष्णु ये दोनों का पूजा स्थल है, आस्था स्थल है। इनके दोनों के न कार्ड में, न मोनो में, फ्लेक्स में, कहीं किसी भी तरह से न तो भगवान राजी लोचन मंदिर भगवान का फोटो दिखाई देता है, न कुलेश्वर महादेव जी का फोटो दिखाई देता है। हमें भगवान राम की फोटो लगने में आपत्ति नहीं है, ठीक है, लगना चाहिए उसका भी, लेकिन जो जगह मूल जगह है, आज हमारा फोटो लगना चाहिए भगवान विष्णु का, राजी लोचन जी का, भगवान शंकर जी का, कुलेश्वर महादेव जी का, त्रिवेणी संगम, हमारे पुण्य सलीला महानदी का फोटो लगना चाहिए। तो नहीं, यहाँ पर मुख्य मंच में तो अयोध्या का फोटो लगा लिए, राजी लोचन मंदिर का फोटो लगना चाहिए, उनकी वहां पर स्टेच्यू बनना चाहिए, उसके बदला में अयोध्या का फोटो लगा रहे हैं। यहाँ पर आप अयोध्या का प्रचार करने यहाँ आए हो कि आप जो है भगवान राजी लोचन का मंदिर का प्रचार करने आए हो? तो इसमें पूरी तरह से संस्कृति के साथ भी हमारी खिलवाड़ किया जा रहा है। आज हमारे इस मेले में देश के, प्रदेश के, विदेश से भी लोग आते हैं, और इस जगह का प्रचार प्रसार होना चाहिए, भगवान राजी लोचन का, भगवान राजी लोचन के मंदिर का, कुलेश्वर मंदिर का, इनका प्रचार प्रसार होना चाहिए कि हमारे ये छत्तीसगढ़ में इतनी महान भगवान की मूर्ति है, भगवान की स्थापना है, बरसों से है, उसकी महत्ता को देना चाहिए। अयोध्या का प्रचार प्रसार सारे देश में करें, अन्य जगहों में करें, अच्छी बात है। अयोध्या अयोध्या है, राजिम राजिम है,
एक दूसरे की कहीं कोई तुलना नहीं है, सब अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन हम जिस स्थान पर मेला भरा रहे हैं, सरकार का आज 30 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, और उसमें यदि हमारे भगवान का यहाँ राजिम का प्रचार प्रसार ना हो, राजिम हमारे जो आज धार्मिक स्थान है इसका प्रचार ना हो, यहाँ के हमारे इष्ट का राजी लोचन भगवान और कुलेश्वर महादेव जी का प्रचार प्रसार ना हो, त्रिवेणी संगम का प्रचार ना हो, तो इसका क्या फायदा हमें मिल रहा है? ये तो पूरी तरह से यहाँ की संस्कृति को जिनको भरोसा नहीं है वो लोग नष्ट करने पर तुले हुए हैं। देखिए 3 करोड़ को खर्चा करने को ये धार्मिक कार्य मान्यता ना दे, और 30 करोड़ खर्चा करने वाले को धार्मिक मान्यता दे, यही है। हमारी सरकार फिजूल खर्ची को रोकी, भगवान के पट दर्शन की व्यवस्था ये प्रमुख है, भगवान का दर्शन, भगवान के मंदिर में व्यवस्थाएं होना, पूजा पाठ होना, ये हमारा काम है। ये काम नहीं है कि हम लोग जो है जब उनको बुलाएंगे बड़ी संख्या में, पूरे हिंदुस्तान के साधु संतों को बुलाएं सरकारी पैसे से, कहीं नहीं होता। आज इलाहाबाद में कुंभ होते हैं, उज्जैन में कुंभ होते हैं, नासिक में कुंभ होते हैं, कहीं तो साधु संतों को पैसा देके नहीं बुलाया जाता है। सिर्फ यही राजिम है जहां पर सरकारी खर्चे से स्पेशल एक साधु संत के लिए एक फ्लाइट की पूरी व्यवस्था की जा रही, चार्टर प्लेन की व्यवस्था की जा रही है। ये मैं नहीं समझता, जो आमंत्रण दे, आमंत्रण देना हमारा काम है, लेकिन किसी संत को हम पूरे हवाई जहाज से लेकर उनको बड़ी सुविधाएं दे, और किसी साधु संत को हम एक ठो गमछा भी भेंट ना दे सके, उनको दक्षिणा ना दे सके हमारे छत्तीसगढ़ के साधु संतों को, और उनके और भी अन्य जो नामी गिरामी साधु संत हैं जिनकी दक्षिणा ही लाखों करोड़ों में है, ऐसे लोगों को ही ठीक है आए, श्रद्धावश सभी लोग आए, उनका प्रवचन सुने, और छोटे बहुत चल जाते हैं थोड़े बहुत, लेकिन आप जितने बाहरी संत महात्मा आ रहे हैं उनको आप बड़ी बड़ी राशि दे रहे हैं, उनको सब यात्री हवाई यात्रा की सुविधा दे रहे हैं, लेकिन आप जो पैदल चल के आता है वो साधु संत नहीं है क्या? उनको आप रहने के लिए एक सोने के लिए दरी की भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो आप यहाँ पर, जो नामी गिरामी साधु संत है उनके लिए आप यहाँ VIP सुविधा दिए हैं, AC रूम बना रखे हैं आपने झोपड़ी में, ये असमानता नहीं होना चाहिए, साधु संतों का सम्मान होना चाहिए, किसी भी साधु संतों के साथ में विषमताएं नहीं होनी चाहिए, उनके आवभगत में सबको बराबर एक रूप में उनका सम्मान होना चाहिए। साहू जी एक सवाल और है, जिस प्रकार से आपके शासन में राम वन गमन का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना आपके द्वारा लॉन्च, आपकी सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी, और जगह जगह जो है राम की प्रतिमा बनाई गई है, हमने ये देखा कि राजी में जो राम की प्रतिमा है उसमें अभी से दरारें पड़ने लग गई हैं, वो अभी से पड़ने, इस पर क्या कहना है, और इस पर विभाग के अधिकारी भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर यदि मूर्ति की बनावट में क्वालिटी में यदि कहीं कोई खराबी है तो निश्चित तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई उन अधिकारियों के ऊपर होना चाहिए जिनके माध्यम से निर्माण कार्य हुआ है। धार्मिक कार्य में इस तरह के भ्रष्टाचार की किसी भी तरह से बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। साहू जी एक चीज है कि आपके शासनकाल में जिस प्रकार से करीबन 70 एकड़ के आसपास जो जमीन आरक्षित की गई थी उस पर मंत्री जी का भी, अभी वर्तमान मंत्री जी का भी कहना था कि मेला वही नए जगह में लगाया जाएगा, लेकिन क्या आप कहेंगे इस पर आपके शासनकाल? ये लोग 15 साल तक अपनी सरकार में करोड़ों रुपए हर साल खर्चा करते रहे, नदी को गंदगी पैदा करते रहे, मुरुम मट्टी पाट करके वही नदी में सब शौचालय बना करके पूरा नदी को गंदा करके छोड़ करके सिर्फ 15 दिन के मेले के आयोजन में लोग चले जाते थे। स्थायी रूप से मेले की जगह की भी व्यवस्था 15 साल में लोग नहीं कर पाए थे। हमारी सरकार ने लगभग 50 एकड़ से ऊपर जमीन आरक्षित की, उसको डेवलपमेंट का भी काम हमारी सरकार के द्वारा शुरू कर दिया गया था, वहां क्यों नहीं लगाया गया मेला को, वहां पर क्यों नहीं बना जाते हैं शौचालय? यहाँ आज नदी के अंदर फिर से उसी तरह से आज हम लोगों ने सरकार बनाया, सरकार में हमारी फर्सी पत्थर का हम लोगों ने सड़कें बनाई, प्रदूषण का चयन किए, इनकी मंत्री जी का भी मैंने वक्तव्य पढ़ा था कि नए जगह में मेला लगाएंगे, ना नए जगह में मेला नहीं लगाया, इस समय भी पूरा गंदगी का आलम अभी भी मेले में है, और अभी छोड़ करके जाएंगे तो और पूरा गंदगी, पूरे शौचालय बनाया गया है नदी में, और यही शौचालय पूरा साल भर प्रदूषित करते रहेगा हमारा, जब तक बारिश का पानी नहीं आएगा, बहेगा नहीं, तब तक साल भर हमारा इस पवित्र संगम को ये गंदगी
का सामना यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को करते रहना पड़ेगा। ये इनकी कहीं कोई दूरदृष्टि नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार इनका उद्देश्य रह गया। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक धनेन्द्र साहू जी, जिन्होंने राजिम कुंभ को लेकर बात रखी। धन्यवाद।